ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आप अपने भाग्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं कि हमारे भाग्य में तो कुछ चीज़ें अच्छी हुई नहीं, या भाग्य हमारा बहुत ख़राब है। हम जिन चीज़ों में हाथ डालते हैं वहाँ में नकारात्मकता हाथ आती है, हम असफल हो जाते हैं। तो एक परेशानियों में हम भाग्य को लेकर मन में बहुत से परेशानियाँ और बहुत सारी तकलीफ़ों में जूझते हैं। लेकिन एक मंत्र है जिन मंत्रों को जानकर अपने भाग्य को आप बदल सकते हैं। जब कभी भी आपको ये मन में प्रश्न होता है कि हमारा भाग्य ख़राब है, ऐसा सोचना बंद कर दें आप, क्योंकि आप जो सोचेंगे वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होकर आपको दिखाई देगी। तो ये चीज़ें सोचना आज से बंद कर दें कि हमारा भाग्य ख़राब ही है, ऐसा ना सोचें। ऐसा सोचने से आपका वाकई में भाग्य ख़राब होगा। दूसरा मंत्र है कि बहुत से जातक अपने मन में कई सारे भ्रांतियों के साथ जीते हैं, ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो भाग्य कभी भी उन लोगों का साथ नहीं देते जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये बात याद रखना। सोचें, कम सोचें, लेकिन अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें। तीसरी बात होती है कि भाग्य उन लोगों का भी साथ देता है जो लोग निडर और बहादुर होते हैं, जो लोग अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, जो चीज़ों को सीखना चाहते हैं। अगर ये भाव आपके अंदर रहेगा, आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा, क्योंकि आप चीज़ों को सीख रहे हैं और जितना आप चीज़ों को सीखोगे उतनी बड़ी जीत आपका इंतज़ार कर रही है। अब ये सब चीज़ें तो आप फॉलो करेंगे ही सही, जो मैंने आपको बताई, लेकिन इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको आपको फॉलो करना है, जो आपके लिए जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, वो है दोस्तों, आपको एक मंत्र ज़रूर जपना चाहिए। वो मंत्र ओम नमः शिवाय हो सकता है, वो मंत्र गुरु मंत्र आपका हो सकता है, वो मंत्र महामृत्युंजय मंत्र हो सकता है, या गायत्री मंत्र हो सकता है। मंत्र में बहुत शक्ति होती है। उस मंत्र को मन हर जब शुरू करें, बस ओम नमः शिवाय, सीताराम, श्री गणेशाय नमः, जो भी मंत्र आपके इष्ट हो उनका जब सतत आप करते रहें, आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपके भाग्य में बदलाव